नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सोनू। आप देख रहे हैं सिद्ध रस रसायन यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज अपन कौन सा प्रयोग करने वाले हैं, आज अपन एक पारा बनाने वाले हैं मरकरी, जो कि 1000 टेम्परेचर के करीब होगा। अगर इसी अमल को अपन 2 से 3 बार दोहरा देते हैं तो ये पारा जो है ना अपना 1100-1200 टेम्परेचर पर रुक जाता है। अगर इस अमल को 3 बार रिपीट करते हैं, तो मैंने फ़िलहाल एक ही बार आपको करके दिखाया है और इसका मैं टेस्ट भी मैंने इस वीडियो में करके दिखाया है कि ये 1000 डिग्री के आसपास पहले ही अमल में बन जाता है। ठीक है दोस्तों, और अगली जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है वो मैंने खरलों के ऊपर बना रखी है। तो 3 से 4 दोस्त ऐसे हैं जिनके खरल के आर्डर आए हुए हैं और मैंने वो 4 खरले रेडी की है। तो अगले वीडियो में मैं उनका आपको डेमो दिखाऊंगा कि मैं ये खरले किस किस स्टेट में और किस किस को भेज रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये अगला एक मेरा छोटा सा 6-7 मिनट का अगला नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें मैं ये आपको डेमो दिखाऊंगा कि मैंने किस किस को भेजी है, ठीक है जी। और सिद्ध रस रसायन यूट्यूब चैनल ना तो किसी चीज़ को, किसी भी केमिकल, एसिड या किसी धातु उपधातु को कोई प्रमोट करने का कार्य नहीं करता है। ये अपनी एक रसायन स्टडी है जो मैं करता रहता हूँ और एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए ये वीडियो बनाता रहता हूँ, ठीक है जी। ना कि मैं किसी को प्रमोट करता हूँ, ये आप विशेष ख्याल रखें। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि किसी केमिकल तेजाब को प्रमोट करना है या उसको बेचना है। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि अपना जो प्राचीन भारतीय जो रसायन रहा है पुराना, उस पर स्टडी करना, रिसर्च करना। मैं खुद भी स्टडी कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, किसी के सानिध्य में मैं खुद भी अभी ये काम सीख रहा हूँ। तो आप बड़ी मेहरबानी करें कि सारे ही सवाल मेरे कॉल करके ना किया। लगभग जितने भी दोस्त वीडियो देखते हैं वो सारे कॉल करते हैं, तो मेहरबानी करके आप कॉल ना किया करें। जिनको भी जो भी सुझाव चाहिए वो व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कर दें या फिर व्हाट्सएप के ऊपर मुझसे वार्तालाप कर लें, मैसेज में, टेक्स्ट मैसेज में या वॉइस मैसेज में, ठीक है जी। बाकी आप किसी भी समय आप कॉल करना से थोड़ा परहेज करें, क्योंकि मैं भी एक घरेलू बंदा हूँ, आम बंदा हूँ, मेरे खुद के भी अपने निजी काम हुआ करते हैं घर परिवार के। तो आप मेहरबानी करके एक समय का थोड़ा ध्यान रखें। आपको अगर कोई भी ज़रूरी सवाल है आपका या मुझे पूछना है या कोई भी रिक्वायरमेंट है आपकी, तो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें या टेक्स्ट मैसेज कर दें। कॉल से परहेज कर लें, क्योंकि इतने सारे लोगों का कॉल अटेंड करना और उनको जवाब देना पॉसिबल नहीं होता है। तो आज का जो मेरा जो ये फॉर्मूला है, नुस्खा है, जो भी है, तो इसको वही लोग कर पाएंगे जो क्योंकि बड़ा हटके फॉर्मूला है। तो इसमें कुछ लोग जो ऐसे होंगे वो साधु संत सन्यासी होंगे, परहेज करते हैं, तो वो लोग तो इस फॉर्मूले को कर नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी मैंने आप दोस्तों के लिए ये प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि इसको कैसे करते हैं। इसका पूरा जो बायोडाटा, आप वीडियो को एक बार दो बार देख के समझ जाएंगे कि ये क्या इसका पूरा मामला है। और जो अनुभव रखते हैं रसायन का, उन्हें तो ये पता है कि ये चीज़ क्या बन रही है और क्या नहीं बन रहा है। लेकिन जो नए दोस्त हैं वो थोड़ा ख्याल रखें इसको बनाने का, ठीक है जी। तो आज का जो वीडियो है वो शुरू करते हैं, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं, और आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। ये हम जंगल में आ गए। जंगल में अपने को एक ये हड्डी का टुकड़ा चाहिए। इस हड्डी के टुकड़े को घर पे लाके इसको छोटे छोटे बारीक करके मिक्सी में ग्राइंड कर दिया। इसका 50 ग्राम का हमें पाउडर चाहिए। भाई जो बना सकता है वही इस नुस्खे को बनाए, जो हाथ नहीं लगाते हड्डियाँ वगैरह को, तो वो इस नुस्खे को ना बनाए, ठीक है जी। ये मैंने छान के इसको 50 ग्राम का पाउडर अपने को चाहिए। इसकी स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ कि करना क्या है। हड्डी का पाउडर, हड्डी के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस मौजूद होती है, तो काफ़ी अच्छा वर्क करती है ये। तो ये मैंने 50 ग्राम इसका वज़न चाहिए अपने को। तो वीडियो को एक बार दो बार देख लें, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और ये अमल जो करना होता है ये इस पूरे वीडियो में मैंने एक ही बार बताया है, हालांकि 4 बार इस अमल को रिपीट करते हैं तब पारे की उड़ान मुकम्मल बंद हो जाती है। ये मैंने एक इशारा कर दिया है, बाकी आप अपने अकल के हिसाब से या अपने सूझबूझ के हिसाब से कार्य कर सकते हैं। ये मैंने सल्फरिक एसिड लिया है, जिसे गंधक का तेजाब भी बोलते हैं।
ये हमें चाहिए 150 ग्राम, 50 ग्राम हड्डी वाला पाउडर था और ये 150 ml गंधक तेजाब चाहिए। तो ये मैं नाप रहा हूँ 150 ml, 150 ml गंधक का तेजाब के बाद इसको अपन एक खरल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि हमें ये बिकर की आवश्यकता है, इसके अंदर हमें पानी की आवश्यकता है, हमें 600 ml पानी भी लेना है। तो ये मैं पानी भर लेता हूँ। इस वीडियो को एक बार दो बार ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस अमल को 3 से 4 बार रिपीट करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। फिलहाल ये पहले ही अमल में 1000 टेम्परेचर का पारा बन जाता है, अगर 3 से 4 बार अपन रिपीट करते हैं तो बहुत अच्छा बन जाता है। ये मैंने 600 ग्राम पानी लिया था बिकर में और ड्रॉपर से थोड़ा थोड़ा करके ये मैं इसमें सल्फरिक एसिड जो है गंधक का तेजाब ये इस पानी के अंदर मिक्स कर रहा हूँ। तो ये बड़े एहतियात से करें, हाथों में ग्लव्स वगैरह पहन लें। मेरा तो रोज़ का रिटर्न का काम है तो मेरे को ज़्यादा इश्यू नहीं होता है, आदत सी हो गई है अब इन केमिकल तेजाबों को हैंडल करने की। तो आप ग्लव्स वगैरह पहन के हाथों में अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें, क्योंकि पानी और गंधक का तेजाब जब भी आपस में मिलते हैं तो बहुत सारा रिएक्शन होता है, रिएक्ट होता है, तो उछलने का खतरा भी रहता है। तो आप थोड़ा सा ख्याल करें, एहतियात करें और आराम से हैंडल करें। जब ये मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड इसलिए कर रखा है कि आपका भी समय बचे, मेरा भी बचे, वैसे भी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है ये, तो ये थोड़ा थोड़ा करके अपने को पूरा गंधक का तेजाब जो है ये इसमें डाल देना है। ये मैं डाल रहा हूँ, तब तक एक छोटी सी बात दूसरी बता देता हूँ। अगली नेक्स्ट वीडियो जो मैंने 4 खरल मशीन रेडी की है, तो 4 खरल मशीन अलग अलग स्टेट में जाएगी। एक उमेश सिंह जी हैं, एक हमारे असलम करके ऐसा कुछ नाम है और एक हमारे सर है चंडीगढ़ के, पंजाब के। ऐसे 4 मेरे सब्सक्राइबर हैं चैनल के जिन्होंने खरल का आर्डर दिए हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं उनका पूरा एड्रेस वगैरह बताऊंगा और कुरियर करने तक बताऊंगा, और 4 खरले मैंने रेडी किए हैं, उनका मोटर वगैरह सेट करना बाकी है, वो आज और कल के अंदर हो जाएगा। तो ये मैंने सल्फरिक एसिड इसके अंदर पूरा पानी के अंदर मिला दिया है। एक नेक्स्ट वीडियो जो मेरा खरलों के ऊपर रहेगा, उसके बाद फिर से एक जो वर्किया मेरी पेंडिंग पड़ी है उसको भी बहुत जल्द मैं बनाने वाला हूँ। ये पूरा सल्फरिक एसिड मैंने 600 ग्राम पानी के अंदर ख़त्म कर दिया है। मतलब जितना गंधक का तेजाब अगर 150 ग्राम है तो उसको 2 गुना पानी लेना है। बहुत सारे लोग मुझे वीडियो देखने के बाद कॉल करते हैं, तो मेहरबानी करके कॉल कोई भी ना करें, सिर्फ व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कर दें या मैसेज कर दें। मुझे जैसे ही समय मिलेगा मैं सब दोस्तों को जवाब देता हूं और देता रहा हूं। और जिन दोस्तों का कुछ सामान वगैरह जो मैं लेट हो गया हूं भेजने करने में, तो थोड़ा फैमिली इशू भी रहता है तो मैं सर्विस थोड़ी लेट दे पाता हूँ, उसके लिए सभी दोस्तों से मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन देता सबको हूँ, ठीक है जी। अगर कोई भी दोस्त मुझसे कोई हेल्प मांगता है या कोई सामान बुलाता है तो मैं उनका थोड़ा लेट इसलिए हो जाता हूँ कि मेरे फैमिली मामले बहुत सारे ऐसे चल रहे हैं जो उनको भी हैंडल करना होता है, सारे मामले देखना होते हैं। तो ये जब ये जो हड्डी का पाउडर है ये इसमें थोड़ा थोड़ा डालना है, बीकर में ट्रांसफ़र कर लेना सल्फरिक एसिड और पानी दोनों को। और ये जो हड्डी का पाउडर है हल्की सी गर्म रेत रखना है अपने को, नमी बिल्कुल कम आँच पे, नॉर्मल आँच पे इसको गर्म करते रहना है। और ये जो हड्डी का चूरा है वो इसमें चुटकी चुटकी करके या थोड़ा थोड़ा करके इसमें अपने को मिलाना है। ध्यान रहे ये उबाल नहीं खा जाए, अगर जोश आ जाए तो इसको नीचे उतार लें, और अगर जोश नहीं आता है हल्की आंच पे है तो इसको धीरे धीरे आप पकाते रहें। और एक एक चुटकी करके ये 50 ग्राम जो हड्डी का चूरा है ये पूरा उसमें डाल दें जो पाउडर है अपना, ठीक है। यहाँ पे वीडियो में थोड़ा फास्ट कर देता हूँ ताकि आपका भी समय बच जाए। मैं ये देखो जोश आ गया था तो मैंने गैस को बंद कर दिया और इसको नीचे उतार के रख दिया था। ये काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है तो आप थोड़ा विशेष ख्याल रखें,
ये देखिए, ये कपड़ा होने के बावजूद भी इस बिकर को मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ, इतना गर्म हो गया। तो आप थोड़ा ये ख्याल करें कि ठीक है दोस्तों, जब पूरा ये हड्डी का जो चूरा है ये अपना ख़त्म हो जाए, पूरा मुकम्मल इसको ख़त्म करना है। ये मैंने वापस रख दिया, थोड़ा सा बचा हुआ था, तो ये जोश ठंडा होने के बाद वापस रखने के बाद ये जो बचा हुआ पाउडर था ये भी मैंने इस मिक्स के अंदर मिला दिया, डाल दिया। तो जो भी इस फॉर्मूले को बनाई वो थोड़ा आराम से बनाई, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल मामला है और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हड्डी वगैरह को हाथ नहीं लगाते हैं, और उसके बाद भी अगर ये नुस्खा बनाना चाहते हैं तो कैल्शियम और फास्फोरस ही होती है हड्डी में, तो आप इसका अल्टरनेटिव निकाल सकते हैं कि फास और कैल्शियम दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। गंधक और फास और कैल्शियम, इन तीनों का एक मुरक्कब तैयार हो गया है और तीनों ही बहुत अच्छा वर्क करती है, ये तो आप भी जानते हो। फास भी अपनी जगह बहुत अच्छा काम करती है, गंधक का तेजाब अपनी जगह बहुत अच्छा कार्य करता है और कैल्शियम अपनी जगह बहुत अच्छा। जो अनुभवी लोग हैं उनको तो समझ आ जाएगी बात, जो नए हैं उनको थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी। तो ये जब ख़त्म हो जाए तो इसको एक नाइट के लिए रख दें, छोड़ दें। जब एक नाइट के लिए छोड़ेंगे तो दूसरी नाइट ये देखें, इसके नीचे हड्डी का जो चूरा होगा वो वाइट कलर का नीचे जम जाएगा, ऊपर का जो लिक्विड है इसको अपने को इस्तेमाल करना है। ये जो नीचे ये सफ़ेद गंधक नहीं है, आप कोई सोचेगा ये गंधक पेट गई है, तो गंधक नहीं है, ये हड्डी का चूरा ही है। तो दूसरे दिन हमें इसमें से थोड़ा लिक्विड ये ले लेना है, ठीक है। तो सफिशेंट, अगर मैंने तो अपने हिसाब से ये रेशो लिए, आप अपने अपने हिसाब से रेशो बना ले। मैंने 20 ग्राम पारे में 60 ml डाला है ये, और इसमें पारे को पकाया। पारा शुद्ध और बेहतरीन भूखा होगा तभी कायम होगा, वरना नहीं होगा, ये ध्यान रखें। पारे को बेहतरीन भूखा कर लें धतूरे से या अदरक के रस से, या फिर किसी जो भी आपका तरीका हो, अमृत धारा वगैरह, बहुत सारे तरीके होते हैं पारे को भूखा करने के। तो ये पारे को भूखा कर लें, फिर ये प्रोसेस 2 से 3 बार दोहराएंगे आप, तो ये पारा 1200 डिग्री पे भी आपका नहीं उड़ेगा, ठीक है जी। अगर इसमें कोई सवाल जवाब है तो वो कमेंट करें। अगर आप दोस्त अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे और सपोर्ट करेंगे तो मैं ऐसे ही बहुत अच्छे प्रयोग इस चैनल के ऊपर लाता रहूँगा, अगर आपका अच्छा सपोर्ट रहा तो। तो ये मैंने थोड़ा सा लिक्विड लिया इसका, और इसके अंदर अपन 20 ग्राम पारा डाल के लगभग 2 से 3 घंटे में ये उड़ जाता है, तो उड़ाना है। इसमें पारे को पकाना है। ये मैंने छोटा सा एक बिकर ले लिया, इसके अंदर अपन 20 ग्राम पारा डाल देते हैं। 21 ग्राम हो गया, कोई बात नहीं, चलेगा। एक आध ग्राम का कोई मसला नहीं है, ऊपर नीचे का। 1 ग्राम ज़्यादा हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कम हो जाए तो भी। फिलहाल हम देखने वाले हैं कि ये कितने डिग्री एक अमल में रुकने वाला है, अगर एक ही बार प्रयोग में कितने डिग्री रुकता है ये देखना है अपने को। तो ये लिक्विड जो मैं इस पर डाल रहा हूँ, ये मैं 60 ml के आसपास डाल दूँगा, क्योंकि 20 ग्राम पारा है तो 20 20 20 तीन गुना तो नॉर्मली लेना ही चाहिए। ये मैंने इसके अंदर रख दिया और इसको अपन पकाएंगे। अब ये पकता रहेगा नॉर्मल आंच पे, तो अपने को सिर्फ इतना पकाना है कि इसमें 20 ml ये लिक्विड बच जाए और 40 ml लिक्विड उड़ जाए। जब 20 ml इसमें से लिक्विड उड़ जाए तब इसको नीचे उतार के गर्म पानी से 2-3 बार वॉश कर लेना है। ध्यान रखें, अगर पूरा लिक्विड अगर आप उड़ा देंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, इसमें पारा कुस्ता होने का भी खतरा हो सकता है या पारा पाउडर भी हो सकता है। हालांकि मैंने देखा नहीं है पूरा उड़ा के कि क्या होगा, लेकिन हो सकता है क्योंकि गंधक का तेजाब है। तो ये मैंने 20 ml बचा था तब इस पारे को यहाँ से निकाल लिया। तो ये जो इसमें नीचे दिख रही है ना, ये चॉकलेटी कलर की इसमें से गंधक निकलती है, अगर इसको पूरा उड़ाते हैं ना तो एक बहुत बेहतरीन गंधक जो कायम और जारी भी होती है। असल में जो गंधक का तेजाब से जो गंधक निकलती है वो संड हो जाती है, लेकिन इस तरीके से अगर कोई गंधक को निकालता है तो वो जारी और गवासी होती है। तो एक पंत दो काम हो जाते हैं, ये चीज़ों को कायम भी कर देता है ये तेल, चाहे कोई भी चीज़ हो, मेंसिल वर्क या हड़ताल कोई भी हो। इस तरीके से जैसे मैंने पारा पकाया, इस तरीके से आप कोई भी रूई चीज़ को पकाएंगे
तो वो रुई चीज़ आपकी 2 से 3 अमल करने पर ये रुई चीज़ आपकी कायम हो जाएगी और जारी होगी, उसको जारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये तो मैंने गर्म पानी से इसको धो लिया है और कपड़े से इसको छान लें, अलग कर लें। अभी आप देखेंगे कपड़े के ऊपर एक चॉकलेटी कलर की गंदक नज़र आएगी, वो गंदक जारी और कायम होती है। ये मैं इसको कपड़े से छानूंगा तो इस लिक्विड को जब अपन उड़ाते हैं तो नीचे एक गंदक मिलती है, जो गंदक जारी भी होती है और मैंने उसको कॉपर पे भी डाल के देखा, वो कॉपर को वाइट करती है और नरम भी कर देती है कॉपर को। खैर, इसका इस्तेमाल अगर कोई दोस्त जिस तरीके से लेना चाहे वो ले सकता है। ये एक मेरे पास जो जानकारी थी वो मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसको कपड़े से मैं फटाफट से छान लेता हूँ। वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड इसलिए कर रखा है मैंने, स्पीड में इसलिए चला रखा है कि आपका समय बच जाए, क्योंकि इसको पूरे प्रोसेस को बनाने में तो कम से कम 10 से 12 दिन लगे थे मुझे, आपको मैंने 29 मिनट 53 सेकंड में बता दिया है। लेकिन फिर भी इसमें तो ये पारा जब छन जाए कपड़े से तो हमें ये 2-3 चीज़ें चाहिए, और एक में सफ़ेद संख्या है, डिस्टिल वाटर है बिस्लेरी का, और 2 से 3 अपने को बनाना मिस मतलब केले चाहिए, 3 केले चाहिए। तो एक में सफ़ेद संख्या है, एक में ये केले हैं। ठीक है, तो हमें लगभग जितना पारा था उतनी ही संख्या चाहिए, 50 ग्राम पारा है तो 50 ग्राम ही ले, मेरे 20 ग्राम पारा तो मैं 20 ग्राम संख्या ले लूँगा। ये मैंने 20 ग्राम संख्या ले ली। अब इस संख्या को बारीक अपन पाउडर कर लेंगे फटाफट से, इसको डब्बे को साइड में रख देता हूँ और इसका फटाफट बारीक कर लेंगे। पारा अपना साफ शुद्ध कपड़े से छानकर अपन ने साइड में रख लिया है। ठीक है, और अब ये जो संख्या है इसको बारीक पीस के एक बीकर में डालना है। 1 लीटर वाला बीकर ले लें, ये मैं इसको फटाफट से ग्राइंड कर लेता हूँ, बारीक पाउडर कर लेता हूँ। पाउडर होने के बाद इसको एक बीकर में अपन ट्रांसफर कर लेंगे। ये जो बीकर है 1 लीटर वाला है, इसके अंदर इस संख्या को पाउडर करके डाल देंगे। ठीक है, तो जैसा सेम बताया यही प्रोसेस आपको 2 से 3 बार इस पारे के साथ करनी है अगर इसको पूरा कायम करना। अगर 1000 डिग्री का पारा चाहिए तो वो पहले ही अमल में हो जाएगा, उससे ज़्यादा का चाहिए तो ये जो क्रिया है इसको 2 से 3 बार आप दोहरा लें। ठीक है, ये मैंने इसमें कम से कम आप 0.5 लीटर पानी ले लें, 500 ml के आसपास या 600 ml ले लें, पानी का कोई वो मसला नहीं है, पानी को अपने को उड़ा नहीं है। तो फिलहाल इसको अपन थोड़ा मिक्स कर लेते हैं और इसको पास में रख लेते हैं। अब लेते हैं अपन बनाना मिस केला, जो हर जगह इजीली मिल जाता है। मैं जितनी भी जो भी पाषाण यूज़ करता हूँ वो हर जगह अवेलेबल होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप मुझसे हेल्प लें, कैसे भी आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है जी, अब ये मैंने 3 केले इसके अंदर खरल में डाल दिए और इसकी भी चटनी बना देंगे अच्छे से, इसको भी कूट कूट के इसकी अच्छी सी बारीक चटनी बना लेंगे। और ये जो चटनी बनेगी ये भी संख्या वाले पानी में अपने को डालना है। ठीक है, तो मैं फटाफट से इसका लुगदा बना लेता हूँ, मतलब एक चटनी जैसी लिक्विड बन जाएगा ये। तो ये चटनी सी बन गई, ये संख्या वाले पानी में डाल दे पूरी चटनी को और अच्छे से इसको मिक्स कर ले। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तब अपने उस जो पारा अपन ने उस तेल में पकाकर निकाला है, तेल बोल दो या सल्फ्यूरिक एसिड और फास कैल्शियम का मुरक्कब बोल दो, तो उस पारे को डालना है लोहे की कढ़ाई के अंदर जो अपने पास आपको दिख रही है पड़ी है। और ये जो लिक्विड तैयार हुआ है
ये पारा मैंने इसमें डाल दिया, इसमें थोड़ा सा पानी है तो वो पानी तो उड़ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको चढ़ाना है अपने को आग के ऊपर, और आग पे चढ़ाने के बाद ये जो अपन ने तैयार किया है केला और संख्या और पानी का मुरक्कब, ये इस पे थोड़ा थोड़ा डाल के अपने को पूरा ड्राई करना है, मतलब पकाना है। तो आप जानते हैं केला भी और संख्या भी बहुत अच्छा कार्य करती है पारे को रोकने का। जो अनुभवी लोग हैं उन्हें अच्छे से पता है कि संख्या और केला काफ़ी अच्छा वर्क करती है। टिंकू पारा में भी केला संख्या का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये मैं फटाफट से इसको पूरा इस पे थोड़ा थोड़ा डाल के मैं इसको पका लेता हूँ। ये यहाँ पे स्पीड में कर दिया है मैंने वीडियो को, ताकि समय बच जाए, क्योंकि समय सबका बहुत कीमती है, बहुत सारे काम रहते हैं लोगों को, तो इसलिए मैंने फटाफट से इसको फुल हीट पे ही पकाएं। आप कोई मसला नहीं, आपका पारा किधर भी नहीं जाएगा, अच्छे से पकाएं, इसमें पारा कभी नहीं उड़ेगा। ये मैंने पूरा ख़त्म कर दिया। ठीक है, आपको एक दो घंटे की प्रोसेस लगेगी, लगभग दो घंटे से ज़्यादा लग सकता है, मुझे तीन घंटे लग गए थे, ढाई से तीन घंटे हो गए थे मुझे इस अमल को करने में केले वाले को। तो ये जब पूरा सूखने को आ जाए, पूरा सूख जाए, तो फिर इसको आप नीचे उतार लें और यहाँ से पारे को वापस निकाल लें। और अगली जो मेरी वीडियो होगी, फिलहाल तो एक तो शॉर्टकट वीडियो होगी जो मैं खरल के विषय में जानकारी दूंगा कि किस किस को मैं भेज रहा हूँ जो अपने सब्सक्राइबर हैं। और अगली जो वीडियो होगी मेरी एक वर्किया के ऊपर होगी, उस वर्किया को बताने के बाद अगर कोई बंदा या कोई सब्सक्राइबर ऐसा बोलता है कि मुझे सफलता नहीं मिली है या मेरा कुछ नहीं हुआ है, तो भाई साहब फिर कोई इलाज नहीं है, आप कोई और ही टॉपिक चुन ले तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जो वर्किया मैं बताऊँगा वो बहुत बेहतरीन है, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है लगभग सारे ही दोस्तों को वो वर्किया काम आ जाएगी और उससे सबके काम चलने लग जाएंगे। ठीक है, उस वर्किया को बताने के बाद आप मुझसे कभी कोई शिकायत ही नहीं करेंगे कि भी हमारा कोई काम नहीं हुआ, अगर सही ढंग से उस तरीके से जो मैं बताऊंगा उस तरीके से बनाएंगे। तो ये पारा देखो मैंने यहाँ से निकाल लिया है। ठीक है, अगर इस पारे के ऊपर दो से तीन बार यही अमल दोहरा दिया जाए तो इस पारे की जो उड़ने की क्षमता है वो बंद हो जाएगी और ये 1100 से 1200 डिग्री के आसपास रुक जाएगा। अब कोई दोस्त अगर इस पारे से आगे काम में लेना जानता है तो वो ले ले, मुझे नहीं पता इस पारे के बारे में, आप मुझे ना पूछे कि इसको आगे क्या काम में लेना। मेरे पास जितनी जानकारी थी मैंने आपको दे दी है, आप बार बार मुझसे सवाल ना करें कि इससे आगे क्या इस्तेमाल लेना है। ठीक है जी, खैर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और एक नई वीडियो के साथ। इस पारे की मैं आपको टेस्टिंग करके बता देता हूँ फटाफट से कि आग के ऊपर क्या, चम्मच को मैंने बहुत देर तक फुल लाल करके देखा है कि ये 1000 डिग्री से आसपास ज़रूर ये पारा है पहले अमल में। अगर दो तीन बार इसको दोहराते हैं तो ये ज़्यादा हो जाएगा। मैं फटाफट के धो के थोड़ा सा इसमें से पारा निकाल के आपको टेस्ट करवा देता हूँ अग्नि के ऊपर कि चम्मच पूरी लाल होने के बावजूद भी ये पारा वहाँ टिका रहता है और पहले ही अमल में। ये क्रिया सिर्फ मैंने एक बार की थी और ये पारे का टेस्ट भी मैंने इसमें करके मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। थोड़ा इसको साफ वाफ करने में बहुत दिक्कत आती है क्योंकि ये केले का जो कीचड़ है नीचे फंस जाता है, तो इसको निकालने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो फिलहाल मैं अभी थोड़ा सा पारा निकाल लेता हूँ, साफ कर लेता हूँ, बाकी का पारा मैं अपने हिसाब से निकाल लूँगा। लेकिन फिलहाल अभी वीडियो में दिखाने के लिए मैं ये जितना भी पारा निकला है इसको साफ सुफ करके मैं आपको बता देता हूँ। इसमें पारा कम नहीं आता है, पूरा वापस निकल जाता है। ठीक है, तो ये पारा मैंने थोड़ा सा निकाल लिया, इसको अग्नि के ऊपर आपको टेस्ट करवाते हैं। तो चालू करते हैं गैस को, और ये मैंने बहुत देर तक इसको रखा, कम से कम 10-12 मिनट मैंने इस पारे को यहाँ रखा था, उसके बाद इसमें हलचल होना शुरू हुई थी। अगर तीन बार ये क्रिया दोहरा दी जाए तो ये भाई गैस चूल्हे के ऊपर तो नहीं उड़ेगा, कहने का मतलब ये कि ये पारा कम्प्लीट हो जाता है। क्योंकि इसको कैल्शियम फास और गंधक का तेजाब, संख्या और केले के अंदर जो पोटास जो होता है वो, ये सारी चीज़ें इस पारे को मिली हुई है, तो जाहिर सी बात है कि ये पारा यहाँ पे स्टेबल हो जाना चाहिए।
खैर, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। और अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, चैनल को सपोर्ट करेंगे, तो ऐसे ही नुस्खे मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें मैं इस चैनल के ऊपर बताऊंगा, जिससे आपका बहुत बहुत सारी हेल्प मिलेगी रसायन फील्ड के अंदर। जहाँ तक मुझे आता है मैं वहाँ तक बताऊँगा। मेहरबानी करके आगे मुझसे ना पूछा करें कि ये आगे क्या करेगा, कैसे करना है, क्या है, तो वो मुझे भी नहीं पता है, तो मैं आपको कहाँ से बताऊँगा। जहाँ तक मुझे पता है मैं बता ही देता हूँ, सीधी सी बात है, ठीक है जी। तो ये मैंने बहुत देर तक इसको गर्म किया, लेकिन चम्मच पूरी लाल हो गई, लेकिन पारा उड़ा नहीं। तो अगर इस पारे से कोई आगे इस्तेमाल लेना चाहता है तो वो ले ले, और मुझे भी बताए कि इस पारे को क्या करना चाहिए आगे। अगर किसी के पास इसके आगे की चाल है तो वो मुझे कमेंट में बता सकता है या व्हाट्सएप पे बता सकता है। और ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसके ऊपर आप प्रयोग करके देखना चाहते हो और आपके पास समय नहीं है और आप उस प्रयोग को कर नहीं पा रहे हैं, तो वो फॉर्मूला आप मुझे व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। अगर मुझे अच्छा लगा तो उसके ऊपर मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली तौर पे बता दूंगा। आप कहेंगे तो यूट्यूब पे डाला जाएगा, अगर आप मना कर देंगे तो यूट्यूब पे हम नहीं डालेंगे, ठीक है जी। मेरा मकसद तो यही है कि जो अपने पास जो जानकारी है वो लोगों के काम आ जाए, इसलिए मैं डालता रहता हूँ। तो आपका अगर कोई फॉर्मूला है मुझसे करके देखना चाहते हैं तो मुझे बता सकते हैं, मैं आपको करके बता दूंगा, और आपकी इजाज़त होगी तो ही यूट्यूब पे बताएंगे, बाकी नहीं बताएंगे, ठीक है जी। तो मिलते हैं किसी एक अगले अच्छे टॉपिक के अंदर। एक अगला टॉपिक तो मेरा खरल पे ही आएगा, जिन दोस्तों को मैं भेजने वाला हूँ, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं चैनल के उनको। और बाकी जो अगला वीडियो होगा वो मैं आपको एक ऐसी गंधक और बताऊंगा और एक ऐसी वर्क्या बताऊंगा जिससे आपके काम चलने लग जाएंगे। उसके बाद भी अगर कोई बंदा बोलता है कि हमें कामयाबी नहीं मिली या हमारा काम नहीं हुआ, तो भाई वो अपने कोई और चीज़ को ढूंढ ले और इस फील्ड में अपना पैसा ज़ाया ना करें, बहुत सोच समझ कर करें और किसी अच्छे सलाहकार से सलाह मशवरा करके ही कोई फॉर्मूला करना चाहिए। तो कोई भी फॉर्मूला या कोई भी नुस्खा बनाने से पहले किसी अच्छे दोस्त से सलाह लेना बहुत आवश्यक होता है, ठीक है जी। तो मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में। ये देखें, चम्मच मैंने पूरी लाल कर दी है, उसके बाद भी ये उड़ा नहीं। तो जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है जी। मिलते हैं किसी अच्छे नुस्खे के साथ, किसी अच्छे टॉपिक के साथ, ठीक है, बाय बाय। दस से बारह मिनट चम्मच को अग्नि पर रखने के बाद भी ये बहुत ही कम हलचल कर रहा था पहले अमल में। अगर तीन बार इस क्रिया को दोहराया जाए तो बहुत अच्छा स्टेबल हो जाता है।